श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 1887 में 5 दिसंबर को कोयम्बटूर में हुआ था, तमिलनाडु में है कोयम्बटूर। इनके पिता एक व्यापारी के यहाँ मुनीमगिरी करते थे, ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे, ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। आर्थिक स्थिति घर की कुछ ठीक नहीं थी, तो इनका जन्म होने के बाद अमूमन बच्चा 1.5 साल में लगभग बोलने लगता है, तो बच्चे 2 साल में बोलने लगते हैं, परंतु ये 3 साल के जब हो गए तब भी इन्होंने बोला प्रारंभ नहीं किया और सब काम करते थे, खाते थे, पीते थे, परंतु बोलते नहीं थे। आफ्टर 3 ईयर्स 3 वर्ष के बाद फिर उन्होंने बोलना प्रारंभ किया, तो इनको 5 वर्ष की अवस्था में, आजकल के भैया बहनों को लगभग 3 वर्ष में या 3.5 वर्ष में विद्यालय प्रवेश दिला दिया जाता है, परंतु इनका एडमिशन वहीं के प्राइमरी स्कूल में 5 वर्ष की अवस्था में कराया गया। बहुत ही ये बालक थे, पढ़ाई में होशियार थे, परंतु इनका मन एक विषय में ही लगता था, पढ़ने में ज्यादातर गणित विषय में ज्यादा ये रुचि लेते थे। तो 5वें तक की पढ़ाई में इन्होंने जो है प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की। जब प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण कर ली तो उनको एक वजीफा दिया गया, छात्रवृत्ति जिसको कहते हैं, और उसमें कुछ रुपए दिए जाते हैं बच्चों की आगे पढ़ाई के लिए, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति घर की ठीक नहीं थी, तो उससे इन्हें काफ़ी सहयोग मिला। परंतु इनमें कोई एक कमी थी, ये केवल एक विषय पर ज़्यादा ध्यान देते थे। फिर जो है हाई 6वें क्लास में जब इनका एडमिशन हुआ तो 6th क्लास में जब ये अन्य विषयों की क्लास पढ़ने जाते थे कक्षाओं में या वेलाओं में, तो ये वहाँ भी गणित के ही सवाल लगाया करते थे ज़्यादातर, अन्य विषयों में रुचि इनकी नहीं थी। हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विषय, संस्कृत, इन विषयों में रुचि ना होने के कारण ये क्या हुआ, हाई स्कूल में फेल हो गए। गणित में इनके सर्वोच्च नंबर आए सबसे ज्यादा अन्य